सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। और वीडियो नहीं आ रही थी, क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में था मैं। और अब आपको वीडियो पर्याप्त मिलती रहेंगी मित्रों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, जो कि अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का संचालन तो करते हैं, लेकिन उनका संचालन की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई। बीड़ी बनाकर और जनरल स्टोर चलाकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अतिथि शिक्षक। चार माह से नहीं मिला है मानदेय। मकर संक्रांति पर बच्चों को लड्डू तक नहीं खिला सके। पूर्व सीएम की घोषणाओं पर अमल नहीं हो सका। और यहां पर जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है मित्रों, ये बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मकान मालिक मकान खाली करने को कह रहे हैं मकर संक्रांति पर, बच्चों को लड्डू तक नहीं खिला सके, खुद का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, परिवार का गुजारा कैसे करें। इसलिए कोई बीड़ी ईंट तो कोई जनरल स्टोर चलाकर गुजारा कर रहे हैं। अफसरों को ना तो इनकी चिंता है ना इनके परिवार की। यही वजह है कि अफसर ना तो शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं ना मानदेय दे रहे हैं। पूर्व सीएम ने महापंचायत में कई घोषणाएं की थी, लेकिन एक पर भी अमल नहीं हुआ है। यह पीड़ा है जिले भर में अतिथि शिक्षकों की। अतिथि एक माह से लगातार अफसर यानी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतिथियों ने बताया कि भूखा मरने की स्थिति में बने हैं, इसलिए कुछ ना कुछ काम करके काम चला रहे हैं। पिछले 9 साल से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानगंज में सेवाएं दे रहा हूं, 4 माह से वेतन नहीं मिला है। यह स्थिति हर साल बनती है। मौखिक से लेकर जिम्मेदारों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीज रहा है। खुद के खर्चे निकालने के लिए स्कूल टाइम से फ्री होने के बाद सुबह शाम बीड़ी बनाता हूँ, जिससे महीने में 1500 रुपये मिलते हैं। इसी राशि से सिर्फ स्वयं का गुजारा हो पाता है। अफसरों को हमारी जगह स्वयं को रखकर देखना चाहिए। दूसरी बात, कमलेश पंथी जो कि एमए है, पीजीडीसी है और अतिथि शिक्षक हैं। शासकीय स्कूल मरखड़ी में पदस्थ हूँ। मकान मालिक ने किराया नहीं देने के कारण मकान खाली करने को कह रहे हैं। इस बार बच्चों को संक्रांति पर लड्डू तक नहीं खिला पाया। पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कि यहाँ भी यह कर्ज लेकर व्यवस्था बना रहा हूँ। 14 साल से अतिथि शिक्षक हूँ, लेकिन सरकार नियमित करना है तो दूर, अब तो मानदेय मिलता है वह भी नहीं दे रही है। सुबह शाम भी बीड़ी बनाते हैं, जिससे मिलने वाली राशि से वह स्कूल तक आना जाना कह रहे हैं। शासकीय माध्यमिक खाली कोठी खो में वर्ग में 2 अतिथि शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। मानदेय नहीं मिलने की दिक्कत हर साल होती है, इसलिए 2 साल पहले गाँव मैं ही छोटी सी जनरल स्टोर की दुकानें खोल ली हैं। इससे पूर्ति तो नहीं होती है, लेकिन भूखा नहीं मरना पड़ता है। वह रोजाना 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम दुकान खोलकर अपना काम चला रहे हैं। शासन को सरकारी कर्मचारी की तरह उन्हें 1 भी तारीख को मानदेय देना चाहिए। DPI से नहीं आया आवंटन, DPI से अभी विद्यार्थियों का बंटन नहीं आया, इसलिए ट्रेजरी में बिल नहीं लग पाए हैं। जैसे ही बंटन आता है तो बिल लगाकर अतिथि शिक्षकों को खाते में उनके मानदेय की राशि डलवाई जाएगी। ML रठौरिया, DO जिला रायसेन। आप देखते हैं दोस्तों कब आवंटन आता है, बाकी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।